ओम ज्ञान सुमिरामदस्य ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के राधा पदांक विलस मधुरा स्थली के राधांग जस मुखम खंगांग बली के राधा विहार विपिने रमतांग मनो में भजामि राधांग मरविंद नेत्रांग स्मरामि राधांग मधुर स्मितास्यांग बदामि राधां करुणा बराद्रां तत्त्व ममन्यास्ते गतिर्न क्वापि। बोल श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हाथ उठाकर बोलो श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादी गौरव भक्त वृंद। सब जोर से बोलो बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। और जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री नंदगांव भ्रमण करते करते अभी जिस स्थान पर पहुंचे हैं ये स्थान का नाम है क्या है? उद्धव विद्या और विशाखा कुंड है। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे कि जो नंदगांव का अंतर्गत ये उद्धव कियारी कहते जहाँ पर यद्यपि गिरिराज गोवर्धन भी श्रेष्ठ है, राधा कुंड श्याम कुंड भी श्रेष्ठ है, प्रेम सरोवर भी श्रेष्ठ है, यद्यपि सब ब्रज का सारे लीला स्थली श्रेष्ठ है, लेकिन गुरु जी कहते थे ये भी कम श्रेष्ठ नहीं है। बोले क्यों? कहते यहाँ पर जो विप्रलंब जो भाव है, विप्रलंबों का जो चरम जो भाव है यहीं पर प्रकट हुआ। इसलिए गुरुदेव कहते थे एक है संभोग और एक विप्रलंब, एक मिलन और एक विरह है। गुरुदेव कहते थे कहते जो मिलन उसको उदाहरण देते हैं जैसे चंद्रमा जैसे कोटि चंद्रमा जैसे मिलन, विरह कहते ये सूर्य जैसे। कहते चंद्रमा क्या करता और सूर्य क्या करता है? बोले चंद्रमा जहाँ पर चंद्रमा का किरण पड़े केवल उसी स्थान को ही वो आलोकित करता है, लेकिन सूरज क्या करता है? जैसे सूरज का किरण वहां पर है वहां पर भी आलोकित है, लेकिन यहाँ पर सूरज का किरण नहीं होने पर भी यहाँ पर भी आलोकित है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं केवल जो मिलन है, मिलन से केवल कृष्ण का माधुर्यता प्रकाश होता है, लेकिन विरह में गुरुदेव कहते विरह में दो चीज प्रकट होता है। उसमें क्या? एक उसमें माधुर्य और ऐश्वर्य। कहते ये दोनों चीज विरह में प्रकट होता है। जैसे विरह में जैसे गोपी गीत विरह में है, गोपियों ने विरह में गोपी गीत गाए। ये गोपी गीत में यहाँ पर दो दो तरह का अर्थ है। उसमें एक साथ में वहां पर कृष्ण का ऐश्वर्य का भी प्रकाश हुई और कृष्ण का माधुर्य भी उसमें प्रकाश हुआ है। इसलिए गुरुदेव विशेष करके कहते थे ये जो स्थान है ये विरह का चरम स्थान यही पर प्रकट हुआ है। इसलिए ये विरह का अत्यंत हाई स्थान ये विरह का है। इसलिए कृष्ण अभी उद्धव जी को उन्होंने ब्रज में भेजे, तब गुरुदेव कहते थे उन्होंने उद्धव जी को क्यों भेजा ब्रज में, कारण क्या है? तब गुरुदेव इसका पीछे कुछ कुछ कारण कहते थे। कहते यहाँ पर कह रहे हैं भैया गरज किसकी है? बोले गरज गोपियों का नहीं है, ब्रजवासियों का नहीं, गरज किसकी है? कृष्ण का है। जिसको जरूरत होगा वो भेजेगा। इसलिए यहाँ पर दूत रूप में कौन भेज रहे हैं? बोले ये कृष्ण भेज रहे हैं दूत रूप में, गोपियों ने कोई नहीं भेजे कृष्ण के पास। बोले क्यों? बोले कृष्ण यहाँ पर देख रहे हैं ब्रज में बैठ करके। कहते वहां पर गोपियां सबके सब समझाती है, बराबर जाती है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा दुखी हो ना, अगर तुम्हारे दुख को समझने वाले कोई व्यक्ति हो
अगर हृदय की दुख अगर आप उसको बोल दो क्या होगा, हृदय तुम्हारी हल्का हो जाएगी। अगर आपके अंदर में दुख ही दुख है लेकिन तुम्हारे दुख को समझने वाले कोई व्यक्ति है ही नहीं, फिर क्या होगा देखना। अंदर में हम अब अंदर में ना करते 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 अंदर में पागल हो जाता है। इसलिए कृष्णा सोच रहे हैं ब्रज में तो समझ आती है गोपियां हैं, एक दूसरे के भाव को समझते हैं। इसलिए गोपियां क्या कहती हैं, अपना हृदय की बात को वो खोल करके किसको बता देते हैं। बता देने पर इनका हृदय हल्का हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो ये गोपी प्रेम को समझने वाले कोई है नहीं। मैं जिसको पास में अपना दुख को मैं उघाड़ करके हृदय को खोल करके मैं बोलूं, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं जो कि मेरे हृदय की बात को समझेगा। इसलिए कृष्णा सोच रहे हैं ऐसे एक व्यक्ति को ब्रज में भेजा जाए जो वहां पर जा करके वहां पर उस दिन बोल रहे थे ना महाराज जी, वहां पर ब्रज का प्रेम को यद्यपि उद्धव जी ने, उद्धव कौन है वृष्णि नाम प्रवर मंत्री कृष्ण सत दैत्य सखा और शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्ता। इसलिए कहते वृष्णि नाम प्रवर मंत्री, ये उद्धव ये मंत्री है। उसी दिन सिद्धार्थ महाराज बोल रहे थे ना अगर कृष्ण को कुछ परामर्श करना है किससे परामर्श करते हैं, उद्धव जी से परामर्श करते हैं। उद्धव जी से वो परामर्श लेकर कोई काम करते हैं, मतलब उद्धव जी इतने विद्वान है, उद्धव जी इतने विद्वान, उद्धव जी इनको पढ़ने के लिए यहाँ पर कोई टीचर नहीं मिला, इसलिए उनको कहाँ भेजा गया, उनको भेजा गया स्वर्ग में। और स्वर्ग में जाकर गुरु ने बृहस्पति को गुरु बनाया और उनको पास में ये पाठ पढ़ करके आए। इसलिए कहते गुरु बृहस्पति साक्षात, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उन्होंने तो स्वर्ग में गए और उन्होंने सारे पाठ को उन्होंने पढ़ा लेकिन एक अध्याय उनको पढ़ने का बाकी था। बोले कौन सा अध्याय पढ़ने का बाकी था, कहते ये प्रेम के अध्याय पढ़ने का बाकी था, क्योंकि जिसको उन्होंने टीचर बनाया वो स्वयं ये प्रेम नहीं जानते हैं, ये ब्रज प्रेम वो नहीं जानते हैं, इसलिए उनके पास में ये प्रेम पढ़ने का सुजोग नहीं मिला। इसलिए सारे पाठ तो पढ़ करके आए केवल प्रेम को पाठ को उन्होंने नहीं पढ़ पाए, इसलिए एक अध्याय उनकी बाकी थी पाठ पढ़ने के लिए। इसलिए कहते वहां पर यूनिवर्सिटी है, बल्कि यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल कौन है, बल्कि स्वयं श्री राधा रानी जो प्रेम की गुरु है। बल्कि वहां पर सब प्रोफेसर कौन है, ललिता विशाखा चंपक लता तुंग विद्या चित्रा सुचित्रा, ये सबके सब वहां पर कौन है, सबके सब प्रोफेसर है। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं अभी प्रश्न है वो पाठ कब तक होता है ना, जैसे हाई फाई वहां पर कलेज हो, भैया मार्ग भी तो हाई फाई होनी चाहिए ना, तभी तो वहां पर एडमिशन हो सकता हो। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं अभी ये है ये मथुरा में ऐसे कोई स्टूडेंट किया है जो कि वह इसी स्कूल में एडमिशन हो सके। कृष्ण सोचे बोले यहाँ पर तो कोई है नहीं, कोई यहाँ पर है नहीं जो कि स्कूल में एडमिशन होकर पढ़ाई पढ़ सके। हाई फाई तो स्टूडेंट होनी चाहिए ना हाई फाई स्कूल में भर्ती होने के लिए। लेकिन उन्होंने देखा ये उद्धव थोड़ी बहुत पूरा नहीं, ये उद्धव है। वहां पर एक उदाहरण दिया जैसे गहरा पानी है, खूब गहरा पानी, अगर तुमको तैरना नहीं आते हैं अगर छलांग लगाओ तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर तुमको वहां पर तैरना नहीं आता है बहुत गहरा पानी छलांग क्या होगा, डूब जाओगे। इसीलिए जो ब्रज प्रेम है वो इतने गहरा पानी है जिसकी था पाना बड़ा कठिन है। कहते बापा बे वाके पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। इसलिए वहां पर अभी कृष्ण सोच रहे भैया किसको भेजे जो कि वो गहरा पानी में डुबकी लगा सके और उसका था पा सके। इसलिए उन्होंने बहुत सोच सोच करके देखा संपूर्ण क्वालिफिकेशन तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन किसका अंदर में, ये उद्धव जी का अंदर में। इसलिए उन्होंने उद्धव जी को भेजा। कहते ये एक कारण है। कहते तीसरा कारण क्या, बोले तीसरा कारण है कृष्ण को पता है ब्रज प्रेम कितने हाई फाई है, कितने ऊंचाई ब्रज प्रेम है, हैं? उनको पता ही है ब्रज का प्रेम कितने उन्नत प्रेम है। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं अगर मैं जैसे तैसे को व्यक्ति को वहां पर भेज दूं, अगर वहां पर जाए हैं? वहां पर विद्या को पढ़े, अगर साधारण व्यक्ति अगर ब्रज प्रेम को देखे और आकर के बोले ना उनके भाव को लोग सुने ना, अरे तेरे व्यक्ति उसका बात भी क्या महत्व है। लेकिन मोदी
अगर कोई बात को बताए मैं जरूर उसमें कुछ है, हैं? ये मोदी बोल रहा है, योगी बोल रहा है। उसी तरह कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अगर वो बात को आकर के उनको प्रेम को देखे, अगर यहाँ पर आकर के वो बात को बताए ना, हो सकता है लोग उसमें बोले भैया जब ऐसे व्यक्ति बोल रहे हैं जरूर उसमें कुछ है। इसलिए किसको भेजे? उद्धव जी को, जिसके लिए उद्धव जी के लिए कृष्ण कहते हैं न तथा मैं प्रियतम आत्मा ज्वरि न शंकर नैव श्री नैव आत्मा जथा भवान। हे उद्धव, तू मेरे जितने प्रिय हो मेरे पिता ब्रह्मा भी उतना प्रिय नहीं, हरिहर एकात्मा शंकर भी इतना प्रिय नहीं, कहते यहाँ तक भी श्री बलदेव प्रभु जो मेरी पत्नी लक्ष्मी भी इतना प्रिय नहीं, मेरे जो अभिन्न स्वरूप श्री बलदेव प्रभु वो भी इतना प्रिय नहीं, इनकी बात छोड़ तो मैं भी मेरा भी इतना प्रिय नहीं तू जितना मेरे प्रिय हो। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं ये उद्धव जैसे इतने बड़े, इसलिए इनका नाम उद्धव। उद्धव मतलब क्या? बोले उद्गत तमह जस्मात, जिससे संपूर्ण तम निकल गया, जो विशुद्ध रूप में एकदम प्योर है, एकदम शुद्ध है उद्धव। इसलिए उद्धव बुद्धि सतम, बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ श्री उद्धव। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं अगर उद्धव जी को अगर हम भेजे, अगर वहां पर उद्धव जाकर के इनके प्रेम को देखे, फिर यहाँ आकर के पंचम स्वर में हाँ, पंचम मुह में अगर यहाँ पर अगर गोपियों के प्रेम को व्याख्यान करे, फिर यहाँ के लोग समझे कि भैया जब उद्धव कह रहे हैं जरूर उसमें कुछ है उसमें। इसलिए कृष्ण ये सोच करके उन्होंने उद्धव जी को उन्होंने ब्रज में उद्धव जी को भेजते हैं। लेकिन उद्धव जी ने कहा प्रभु आपको छोड़ करके मैं नाच नहीं जा सकता, क्योंकि एक साथ में खाए खेले कूदे, जब कृष्ण कभी उद्धव जब वो कृष्ण का विग्रह को लेकर खेलते थे, कभी कभी मैया बुलाने पर भी खाने के लिए नहीं जाते थे, जब सोते थे गोद में लेकर के उद्धव जी कृष्ण को गोद में लेकर के सोते थे, इतने कृष्ण में इनका चित्त इतना अभिष्ट था, बोले तुमको छोड़कर के हम रह नहीं सकते हैं। कृष्ण ने कहा उद्धव तुम जब ब्रज में जाओगे ना तुम मेरे को भूल जाओगे, क्योंकि 1% केवल मैं यहाँ पर हूँ, वहां पर तो 99% तुम वहां पर मिलो, तुम मेरे को प्राप्त करोगे। हाँ, उद्धव जी ने कहा नहीं मैं जाने, तुम जा करके देखो। सचमुच से जब कृष्ण उद्धव जी को भेजे और जो ब्रज में आए ना, उसी समय कृष्ण थोड़ी सी एक परसा उन्होंने एक झलक ब्रज का दर्शन दिला दिया। कृष्ण रहते समय जैसे ब्रज एकदम हरा भरा था, हाँ? कैसे पूरा पूरा कैसे बछड़े कैसे फुदक रहे हैं, कैसे गैया को दोहन कर रहे हैं, कोई बोले रस्सी लाओ, कोई बोलते पात्र लाओ, हैं? वहां पर सार सार में कैसे लड़ाई हो रहे हैं, सारे वृक्ष लता फल फूल में कैसे भरे हुए, कैसे कोयल कूक रहे हैं, कैसे कोयल के लिए कूक रहे हैं, कैसे मयूर कैसे केका कर रहे हैं, और पपिया कैसे सुंदर सुंदर मीठी मीठी बोली में कितने सुंदर बोली बोल रहे हैं। और वहां पर देखा कैसे ब्रज गोपी एकदम कृष्ण प्रेम में डूब करके बोले गोविंद दामो दरबार बेटी, गोविंद दामो दरबार बेटी, गोविंद दामो दरबार बेटी, गोविंद दामो दरबार बेटी, हे कृष्ण हे जा तब रे सजे दी, गोविंद दामो दरबार बेटी। एकदम ब्रज को हरा भरा दर्शन किया, कितने प्रसन्न कितने आनंद ब्रजवासी। फिर उन्होंने पर्दा को हटा लिया, फिर उन्होंने विरह समुद्र का दर्शन किया। कृष्ण जब से गए कैसे कोयल कूकती नहीं, मयूर केका नहीं करते, बछड़ा दूध नहीं पीते, गैया घास नहीं खाते, सारी ब्रज ब्रज कैसे संपूर्ण कैसे विरह में डूबा हुआ है। इतने में उद्धव जाकर के प्रश्न करते हैं श्री नंद बाबा का घर कहाँ पर है? वहां पर एक परनला बह रही थी नाली, किसने बोल दिया ये नाली जहाँ से शुरुआत हुई ना वही पर नंद बाबा का भवन है। बोले भैया मैं पूछ रहा हूँ नंद बाबा का घर कहाँ पर, मेरे को एक परनला दिखा दिया। सचमुच से उसको फॉलो करते करते कर जब गए, देखा ब्रजवासी इतने रो रहे, इतने ब्रजवासी रो रहे थे, मैया जसोदा तो बेहोश होकर पड़ी हुई, उनके कोई हुदबुद नहीं, आंख बंद की हुई, और नंद बाबा उद्धव जी को दर्शन किए और उनको पता चला जब ये कृष्ण का सखा है। फिर तो श्री
दोनों बैठ करके आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। किसी तरह से मकोड़े घर में चाल बना दिए मकोड़े, कोई खाना नहीं बनाया जब से कृष्ण गए, सबके सब विरह में डूबे हुए। इतने में उद्धव जी कोशिश कर रहे हैं नंद बाबा को समझाने के लिए, लेकिन नंद बाबा तो रो रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति रोता होगा, अगर किसको बोलोगे भैया क्या बोले, भैया रोना नहीं, यही तो बोलोगे ना। इसलिए जब उद्धव सोच रहा है नंद बाबा मैं बोलता हूँ तो रो मत, बोले अगर ये बात मैं बताऊ ना रो मत, सारे शास्त्र आकर के थप्पड़ मारेगा। बोले क्या तू बोल रहे हो, क्यों? वहां प्रभु कहते हैं नयनम गलद स्त्रुधारया बदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। महाप्रभु कहते कब ऐसे दिन आएगा जब तेरे नाम को लेकर के आंखों की आंसू बहने लग जाए, हृदय गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, हैं? इसलिए हर शास्त्र कहता है कृष्ण नाम लेकर के रो। ये तो ऑलरेडी रो रहे कृष्ण नाम को लेकर के, कृष्ण चिंता में अगर मैं बोलूंगा रो ना, नहीं तो सारे शास्त्र हमें थप्पड़ मारेगा। तो क्या बोल रहे हो? उन्हें उद्धव जी सोच रहे थे अरे ये ब्रजवासियों को समझाना मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात थोड़ी है, हम इतने बड़े बृहस्पति का चेले हैं, इतना बुद्धि सतम है और भक्त में ज्ञानी प्रेमी प्रेमापर प्रेमा और प्रेमातुर भक्त श्री उद्धव है, भक्त का अंतिम छोर ये उद्धव है, इनकी जैसे कोई भक्त नहीं। वो सोच चुटकी बजाते हुए इनको समझा दूंगा जो कंडा बिंडने वाली दधि मंथन करने वाली, लेकिन उद्धव का बोली बंद हो गई। वहां पर कुछ सोच नहीं पाए, बोलू तो इसको मैं बोलू क्या, बहुत कष्ट से उन्होंने सोचा, उन्होंने एक शब्द में निकाला, बोले नंद बाबा आप जैसे सौभाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि ये कृष्ण है कौन, ये तो परमेश्वर परमात्मा, ये सर्व कारण का कारण ये कृष्ण, तुम्हारी बेटा बन करके जन्म लुआ, तेरे जैसे कोई सौभाग्यवान होगा। बहुत कष्ट से केवल इतनी सी बात उन्होंने बोले। इतने में नंद बाबा देखो प्रेम को सामने किया, कैसे बोली कैसे नहीं चलती है। नंद बाबा ने कहा मैं सोच रहा था शायद कृष्ण के साथ में रह करके तेरा अकल आ गया होगा, तो जैसे का मूर्ख थे वैसे मूर्ख, तू कह रहे मैं सौभाग्यवान हूँ, कृष्ण परमात्मा परमेश्वर मेरा बेटा रूप में प्राप्त हुआ था, और तुम मेरे को कह रहे हो जब तुम सौभाग्यवान, मेरे जैसे दुर्भाग्यवान होगा कौन। तुम स्वयं बता रहे कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण, तुम स्वयं कहते हो सर्व कारण का कारण, और ये मेरे पुत्र रूप में आया था और ये ऐसे पुत्र को मैंने खो दिया, तू कहते सौभाग्यवान। तब उन्होंने एक उदाहरण दिया, कोई एक व्यक्ति पारस मणि उसको प्राप्त हुआ था, उधर से घुमा दो, पारस मणि उसको प्राप्त हुआ था, लेकिन इतने में क्या हुआ, इतना कम कर लिया, कहते पारस मणि उसको प्राप्त हुआ था लेकिन उसने अपना बेटे को दे दिया था खेलने के लिए, लेकिन उसको पता था ये कोई साधारण कोई पत्थर, उसको बच्चा भी पत्थर मानकर खेलता था, लेकिन एक जोहरी जो सोना चांदी का जो बिजनेस करता जिसको पता है, उसने देखा ये पत्थर नहीं, ये तो पारस मणि स्पर्श मणि। इतने में क्या हुआ, उसका बच्चा उसको खेलते खेलते कैसे हाथ से खो गया। तो जिस व्यक्ति ने देखा था ये बच्चे का हाथ में पारस पत्थर, वो व्यक्ति को जा करके बोला तेरे बेटे को जो खेलता हुआ मैंने तो पत्थर देखा था, वो पत्थर नहीं था, वो पत्थर था स्पर्श मणि। अभी बताओ वो जो व्यक्ति इसको पाया था दुखी होगा ना सुखी होगा, बोले पारस मणि जो लोहे को सोना बनने वाला, मैं तो उसको साधारण पत्थर मान करके बच्चे को खेलने दिया था और बच्चा खेलते खेलते उसको खोआ उसको गुम कर दिया, और दुखी होगा ना सुखी होगा, वो दुखी हो जाएगा। कहते उसी तरह पहले मैं सोचता था ये कृष्णा तो मेरा लाला है मेरा बच्चा है, लेकिन तुम स्वयं कहते तो ये लाला नहीं, ये परमेश्वर ये परमात्मा है, और भगवान को परमात्मा को मेरे बेटे रूप में प्राप्त करके मेरे खो गया, तुम्हारे को सौभाग्यवान कहते हो, मेरे जैसे कोई जगत में दुर्भाग्य कोई होगा जगत में है। इसलिए उद्धव तो उद्धव शुद्ध है गयो, उद्धव तो बोली बंद हो गया। किसी तरह से नंद बाबा को उन्होंने प्रसन्न नहीं कर पाए, और नंद बाबा का हृदय में जो प्रेम को देखा, बोले उद्धव मैं कोशिश करता हूँ किसी तरह से मन को सांत्वना दे, लेकिन किसी तरह से सांत्वना दे नहीं पाता हूँ, कभी सोचता हूँ जंगल में थोड़ा घूम आओ शायद मन को सांत्वना मिल जाएगा, लेकिन ब्रज में ऐसे कोई स्थान नहीं जहाँ पर कृष्ण लीला नहीं की,
जिस जंगल में जाओ कुंज कुंजम लीला की, जमुना किनारा जाता हूँ कृष्ण को लेकर के, वहीं पर मैंने स्नान कराया करता था। जहाँ जाता हूँ कृष्ण का चरण चिन्ह चारों तरफ में संपूर्ण जो ब्रज है कृष्ण लीला के द्वारा युक्त है। जहाँ जाता हूँ कृष्ण को भूलने के लिए भूलू को क्या, ज्यादा कृष्ण को याद आता है। इसलिए मैया जसोदा लेट हुई थी, वो तो उनके अंदर में कोई मैया जसोदा तो बेहोश होकर लेट हुई थी। हाँ हाँ पतल दे दो सबको, बैठ सब ला कर बैठ जाओ और प्रसाद भाव कथा इसे सब पतल ले लो। इतने में श्री मैया जसोदा सोचती है, जब आपस में बात हो रही थी ना, शायद कृष्ण आ गया। जब बात हो रही थी इतने में मैया ने थोड़ी आंख खोलने के लिए कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने आंख खोली ना, देखा कृष्ण नहीं है उद्धव है। मैया थोड़ी सी कोशिश की थी उठने के लिए, लेकिन जब देखा ये कृष्ण नहीं उद्धव, फिर मैया वहीं धड़ाम करके मैया जसोदा गिरी पड़ी। आंखों का आंसू से संपूर्ण ये कपड़ा भीगा हुआ मैया जसोदा की। फिर उन्होंने कोशिश की, फिर रात भर कृष्ण कथा करते करते रात बीत जाती है। फिर गोपियों के साथ में सवेरे मिलन हुई, लेकिन वहां पर एक अच्छी बात बताते हैं, जिन गोपियां कमाल वृक्षों को देखकर कृष्ण मान करके आलिंगन करती है, मेघ को देखकर कृष्ण स्मरण करते हैं, लेकिन उद्धव कृष्ण का जैसे रूप है, उनका कपड़ा वस्त्र एकदम कृष्ण जैसे, यहाँ पर कहते जो प्रेम है ना, कभी अपना मर्यादा को कभी लंघन नहीं करता है, उन्होंने उद्धव जी को जाकर आलिंगन नहीं कर दिया कृष्ण बोल करके, क्यों प्रेम कभी अपना मर्यादा को लंघन नहीं करता है। फिर उद्धव जी कृष्ण कुंड में स्नान करके गोपियों के साथ में भेंट हुई। गोपियों ने ऐसे ऐसे प्रश्न की ना, पूरा उनका बोली बंद कर दिया ना उद्धव जी की। लास्ट में गोपियों ने कहा, आओ हमारे श्री ईश्वर जी की अवस्था को देखो, यहीं पर उनको लेकर के आए। जब यहीं पर लेकर के आए, श्री राधा रानी को कमल फूल की सज्जा के ऊपर में लेट दी गई, जिसको शरीर में चंदन कर्पूर अगुर का लेप दी गई। लेकिन राधा रानी कृष्ण विरह में ऐसे विरहिणी, एक मिनट में सबके सब चूर चूर हो रहा था। हाँ? इतने में कृष्ण स्वयं एक भ्रमर बन करके राधा जी के चरणों के ऊपर बैठने के लिए आए। जब आए, जिसको भ्रमर गीत कहते हैं, वहां पर 10 गीत है राधा रानी की, हैं? जिसको अनुजल्प विजल्प और संजल्प उज्जल्प प्रतिजल्प। वहां पर श्री रूप गोस्वामी क्या क्या चिन्ह होने पर कौन सा नाम है, उन्होंने बड़े सुंदर उन्होंने उज्ज्वल निर्मल ग्रंथ में एक एक श्लोक मंत्र में क्या क्या भाव हो, फिर उनको ये चीज बता जा अद्भुत रूप में वर्णना की। वहां पर जब भ्रमर कृष्ण स्वयं राधा जी के चरण में बैठने आती है, वहां पर तुम मद्यप तुम मद्यपान करके आए हो, मेरे चरणों के ऊपर मत बैठा करो। बोले ऐसे कैसे कह रहे हो, मैं मद्यप कैसे, जो शराब पीता है ना उसको कुछ चीजें भान नहीं रहता है। बोले तेरे गोप लाल कैसे हो गया, बताओ लाल कैसे हो गया। बोले कैसे हो गया, बोले कृष्ण कभी सुंदर माला पहने हुए, कभी उन्होंने मथुरा रमणियों को साथ में मिले, उनका बक्ष स्थल का कुमकुम कभी वो माला में लग गया, और तू ये माला के ऊपर बैठी करके और गोपों को लाल बना करके हमके पास मनाने के लिए आए, ये कोई तरीका है, है? इसलिए ये कोई तरीका मनाने का, इसलिए तू मद्यप हो। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कृष्ण के लिए बात कह रही थी, जब कृष्ण के लिए टेढ़ी मेढ़ी बात कह रही थी, इतने में उद्धव जी कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं भ्रमर, यहाँ पर उद्धव यहाँ जो मधु जो मधु कहती है, भ्रमर कहता है, कहते स्वामी ने जब से हम आए तुम तब से कृष्ण 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 कथा कृष्ण है, इसलिए हर युग में वो काले हैं, सत्य युग में भी काला था, बामन बन करके आया और उसने बलि को छलना की, द्वापर युग में भी काला बन करके सुपर्णखा को नाकन काट दिए, अभी भी वही काला, तू काला के निंदा 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 ही निंदा जब से आ रहे तब उल्टा पुलटा बोल रहे हो। भैया ये काला का बात ही छोड़ दो, अगर वो ऐसे है खराब उसको बात छोड़ना, बल्कि यही तो बात उनकी बात छूटती नहीं है। हम ये जीवा को बोलते हैं, जीवा तो कृष्ण नाम छोड़कर और कोई बात बोलो, लेकिन कोई जीवा में आए तो कभी कृष्ण का ही नाम आता है। कान को कहते हैं और कोई शब्द सुनो कृष्ण नाम छोड़ करके, लेकिन उनकी बंसुरी की आवाज छोड़ करके कुछ झुक आती नहीं। इन्हें आंखों को समझाते हैं कृष्ण को छोड़कर और कोई चीज देखो, लेकिन नेत्र जहाँ पूरे तहाँ कृष्ण पूरे, केवल वहां पर कृष्ण 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 देखती है। इनके अंदर में ये भावना को देख करके
बुद्ध अब इतना आश्चर्य हो गया, कहते जिसको स्मरण करने के लिए हम कितने कष्ट करते हैं, लेकिन ये लोग चाहते भूलने के लिए कृष्ण को, लेकिन कृष्ण को भूल नहीं पाते हैं। अरे उद्धव जी यहीं पर पांच श्लोकों के द्वारा उन्होंने ब्रज गोपियों की राधा रानी को उन्होंने स्तुति करती है। बोले बंदे नंद ब्रज श्रीनाथ पाद रेणो अभिक्ष जासाम हरि कथोद गीतम पुनादि भुवन त्रयम्। राधा रानी की चरण की एक धूल को वंदना किया है। अगर राधा रानी की चरण की धूल मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो उन्होंने प्रार्थना किया तीन गुल्म औषध, तीन चीज प्रार्थना किया। बोले घास बनना चाहते, बोले क्यों, बोले चल करके तो जाएगी, अगर घास बन रहेंगे उनका चरण का धूल मिलेगा। बोले लता क्यों बनना चाहते हैं, कहते कृष्ण जब कुंज में लीला करेंगे लता बन रहेंगे तो दर्शन मिल जाएगा। बोले औषध वृक्ष क्यों प्रार्थना करना चाहते हैं, बोले अगर कोई बीमारी पड़े दवा खाए उनका हृदय में चला जाऊंगा। अगर जीवन में किसका जीवन धन्य, इनका जीवन धन्य, बोले क्यों, बोले इनको जो भाव कृष्ण के प्रति जो दिव्य भावना है, जिसको ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी जिस दिव्य भाव को प्रार्थना करते हैं। इसलिए यही पर उद्धव जी को श्लोक बोले थे, इसलिए गुरुदेव कहते जो स्थान है ये दिव्य स्थान, विरह का दिव्य स्थान है। यहाँ धूल कणा में जब गुरुदेव आते थे यहाँ पर एकदम लेट करके प्रणाम करते थे। क्यों, यहीं पर उद्धव जी ब्रज गोपियों की प्रेम की चरमता को यहीं पर अभिव्यक्ति हुई है। इसलिए ये स्थान गुरु जी के अत्यंत प्रिय स्थान, इसलिए गुरुदेव कुछ कुछ पैसा दिए थे यहाँ संस्कार करने के लिए, पेड़ बनाने के लिए। अभी भी श्री कृष्ण प्रभु बात कर रहे थे जैसे यहाँ पर कुछ जैसे हल घर हो जाए, तीर पीढ़ी को द्वारा जैसे भक्त लोग आ करके यहाँ पर बैठे करके अच्छे तरह से हरी कथा कर सके। इसलिए हम लोग सबके सब यहाँ का धूल को स्पर्श करो, क्योंकि महाभाव की चरम अवस्था यही पर अभिव्यक्ति हुई है। और यहाँ पर धूल से प्रार्थना करो, इसका एक बूंद अगर हमारे हृदय को स्पर्श कर जाए हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बोले श्री उद्धव महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोले श्री महाप्रसाद की। Yeah, you'll be good.